3 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। किताबों के लिए तो समीक्षा अधिकारी के लिए अधिक किताबें पढ़नी नहीं होती। पूर्वावलोकन को यदि व्याख्या सहित पढ़ते हैं अच्छे से तो आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। स्टैंडर्ड बुक जैसे NCERT वगैरह PCS में माना जाता है, किसी की आवश्यकता नहीं है समीक्षा अधिकारी के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अभिवंश, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ राहुल शुक्ला सर हैं, जिनका UP PCS RO 2021 की परीक्षा में समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो अभी इनसे जानेंगे क्या रणनीति होनी चाहिए जो 2023 का समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देने जा रहे हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और साथ साथ बुकलिस्ट क्या इसके लिए फॉलो करना चाहिए उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु जी। सर, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अभी आप यहाँ सचिवालय में पोस्टेड है तो किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पर, कार्य करने में मतलब कितना एक्साइटेड रहते हैं, कितना मजा आता है? जी, सचिवालय का माहौल बहुत ही शानदार है और अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और बहुत सारी नई चीज़ें शासन के अंतर्गत जो चीज़ें सरकार द्वारा जनता के लिए या फिर ग्रामीण स्तर तक के लिए जो चीज़ें संचालित की जा रही हैं उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। किसी भी योजना का क्रियान्वयन सबसे निचले स्तर तक कैसे किया जाना है या कैसे होता है शासन के स्तर से, ये चीज़ें बहुत अच्छे से हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं और बहुत ही शानदार अनुभव रहा है अभी तक का। विगत 2-3 महीने लगभग हम लोगों को ज्वाइनिंग हुए हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा रहा अब तक। किस विभाग में आपकी पोस्टिंग हुई? जी, मेरा विभाग श्रम एवं सेवायोजन विभाग। ये आपको भी अवगत होगा कि अभी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, काफ़ी सारी वैकेंसी मात्रा में 322 पोस्ट लगभग समीक्षा अधिकारी की हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं RO की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा, कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? साथ साथ हम बुक लिस्ट जो GS और हिंदी के लिए होती है वो भी आप डिस्कस करिए। UPSC और State PCS की तैयारी करने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अनुज गर्ग सर, जो कि अन अकेडमी पर हिस्ट्री के टॉप एडुकेटर्स हैं, जिनके चैनल पर लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, ये एंशेंट हिस्ट्री की अपनी फ्री क्लासेज अन अकेडमी पर लेने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना, ये क्लासेज एंशेंट हिस्ट्री की आपकी पूरी की पूरी फ्री होंगी। चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, वैदिक पीरियड हो, मौर्य पीरियड हो, गुप्ताज पीरियड हो, जहाँ से UPSC सबसे ज़्यादा अपने क्वेश्चन पूछता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोग ये साइड में देख सकते हैं PDF, पूरी की पूरी आप लोग को इन क्लासेस की PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप लोग भी एंशिएंट हिस्ट्री फ्री में पढ़ने के लिए इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ये क्लासेस 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुई, 31 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस चलने वाली है। डेली सुबह 10 बजे से आपकी क्लासेस चलेंगी और इस क्लास को जैसे कि हमने बताया फ्री में एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड अनुज UPSC यूज करना होगा और इस क्लास को एक्सेस करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से जाकर एक्सेस अपनी इन क्लासेस को फ्री में कर सकते हैं, बस आप लोग को कूपन कोड अनुज UPSC यूज करना होगा। तो यदि क्लास को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। देखिए सर, समीक्षा अधिकारी 2023 की बहुत ही ऐतिहासिक विज्ञप्ति है, एक प्रकार से आप मान लीजिए। 2017 में इतनी अच्छी मात्रा में पोस्ट थी और इस बार फिर 2023 में समझ लीजिए कि ईश्वर समय दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। और जो नए विद्यार्थी 2021 में जिनका नहीं हो पाया, वो 2023 में एकदम मन से लगें, पूर्णतया एकदम अधिक परिश्रम करें और अच्छे से हो जाएगा। लगभग 322 पद अभी समीक्षा अधिकारी सचिवालय के ही हैं। 2021 का माने तो लगभग 352 या 54 पोस्ट टोटल पोस्ट थी, जिसमें लगभग 76 या 75 पोस्ट सचिवालय के लिए थी, समीक्षा अधिकारी के लिए। इस बार बहुत अधिक पोस्ट हैं। अगर आप एकाग्रता से 3-4 महीने अभी एग्ज़ाम भी सुनने में आ रहा है कि फरवरी प्रथम सप्ताह में होना ही है, 3 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। किताबों के लिए तो समीक्षा अधिकारी के लिए अधिक किताबें पढ़नी नहीं होती। बहुत ही आसान जॉब है ये, आसान परीक्षा है। आप अच्छे से रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए तो आप पास कर ले जाएंगे। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर होता है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक आती है, आप उसको लीजिए, उसको हल कीजिए। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर के साथ घटनाचक्र पूर्वावलोकन की 8 खंड आती है। उस 8 खंड में आपको एक समसामयिक आधारित आती है, उसको नहीं लेना है। आप उसमें से 7 खंड को, उसमें भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो गया, और भी हैं जो इस 7 खंड को जो सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन हैं उनको लीजिए और अच्छे से पढ़िए। पूर्वावलोकन को यदि व्याख्या सहित पढ़ते हैं अच्छे से तो आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। सामान्य हिंदी के लिए आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन की ही RO हिंदी विशेष करके हल आती है, व्याख्या सहित हल आती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके साथ आप एक टेक्स्ट बुक के रूप में आप यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह की आपने साथ रखिए और जो भी 6 अध्याय आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम में, उन 6 अध्याय को अच्छे से कवर कीजिए। केवल घटनाचक्र पूर्वावलोकन, RO हिंदी विशेष हल और सामान्य हिंदी के लिए राजपाल सिंह की पुस्तक पर्याप्त।
सर, जैसे कि आपने बताया घटना चक्र का पूर्वावलोकन जीएस के लिए कि वो साथ लेने चाहिए, इसके अलावा क्या स्टैंडर्ड बुक्स का भी सहारा लेना चाहिए या फिर इतने कम समय में मतलब स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर पाना संभव है? नहीं देखिए सर, समीक्षा अधिकारी के लिए किसी स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी वगैरह पीसीएस में माना जाता है किसी की आवश्यकता नहीं है समीक्षा अधिकारी के लिए। आप अगर घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी सामान्य अध्ययन के खंड को अच्छे से व्याख्या सहित हल कर लेते हैं, करंट अफेयर से आप जुड़े हुए हैं, रेगुलर करंट अफेयर्स पर समय दे रहे हैं और सामान्य हिंदी को बढ़िया कर लेते हैं, सामान्य हिंदी में आप अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं, तो सामान्य हिंदी पे अच्छा मेहनत कीजिए। आप सामान्य हिंदी में 60 में 60 का प्रयास कीजिए, सामान्य अध्ययन में आप कम से कम प्रयास कीजिए कि 80+ आप सही करें, ऋणात्मक प्रावधान से बचें, ऋणात्मक प्रावधान 1/3 होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, आप प्रयास करें कि आप 120 प्रश्न के आसपास अटैम्प्ट करें और अधिक प्रश्न ना गलत हों, 15 से 20 प्रश्न से अधिक आपके गलत ना हों, ऋणात्मक प्रावधान आप ज़्यादा गलत करेंगे तो ऋणात्मक में आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए प्रयास करें जो प्रश्न आते हैं उनको ही हल करें। और इससे इसके लिए आवश्यक है कि आप अच्छे से पूर्वावलोकन को प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ लें, अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता है नहीं। और यूपी स्पेशल का हो गया या करंट अफेयर के लिए क्या मतलब आप पढ़ते थे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? करंट अफेयर्स के लिए मैं बताता हूँ कि आप करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्वयं की पुस्तक आती थी, मैं वही पढ़ता था, यूनिवर्सल समसामयिक बहुत पुस्तक आती थी तो, और मैं मासिक वो अर्धवार्षिकी आती थी फिलहाल, और आप मासिक करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पतली पत्रिका आती है 30 से 32 रुपये की आती है, आप उसको पढ़िए, और जब परीक्षा होनी होती है तो कोई ना कोई एक वार्षिकी आती है, आप उस वार्षिकी को ले लीजिए पढ़िए, बाकी क्रॉनिकल मासिक पत्रिका के रूप में आप उसको पढ़ते रहिए हर माह लेके, बाकी और कोई आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर्स। सर, जैसे कि टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कहाँ से हमें टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना चाहिए या फिर घर पर हमें लगाना चाहिए या कई संस्थान में ज्वाइन करना चाहिए? देखिए सर, टेस्ट सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है परीक्षा में, टेस्ट सीरीज करना ही चाहिए अनिवार्य रूप से, कमरे पर बैठकर करना चाहिए। टेस्ट सीरीज क्या होता है कि परीक्षा हाल और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, टेस्ट सीरीज को गंभीरता से हल करना महत्वपूर्ण होता है। जब आप कमरे पर बैठ के उसको हल कर रहे हो तो एकदम परीक्षा हाल वाली फीलिंग आनी चाहिए, ये नहीं कि आप जब मन कर रहा है तब आप उसको सबमिट कर रहे हैं, जितना समय हो रहा है मन ले रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप परीक्षा हाल के अनुरूप आप उसको हल कीजिए, उतने समय में हल कीजिए। इससे क्या होता है कि जो आप परीक्षा हाल में गलतियाँ करते हैं OMR को फिल करने संबंधी या फिर प्रश्न को ठीक से ना पढ़ने संबंधी, कभी कभी होता क्या है कि आसान प्रश्न को हम ठीक से पढ़ते नहीं और गलत हो जाते हैं, तो आप अगर परीक्षा हाल से पहले ही अगर आप 1.5-2 महीना बैठ के अपना अभ्यास कर लेते हैं कमरे पे ही बैठ के, तो परीक्षा हाल में वो गलतियां शून्य हो जाती हैं, इससे आपके चयन की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टेस्ट सीरीज के लिए आपने पूछा अभी कि टेस्ट सीरीज कहाँ कैसे करना चाहिए, मैं स्वयं टारगेट डिप्टी कलेक्टर भी विवेक सर से जुड़ा हुआ था, पहले मैं सर से मार्गदर्शन के लिए जुड़ा हुआ था, 2020 में ही मैं सर से मेंस परीक्षा और प्रिलिम्स परीक्षा के लिए जुड़ा हुआ था, उसके बाद सर के साथ ही मैं मार्गदर्शक की भूमिका में भी रहा प्रिलिम्स प्रोग्राम में। यदि आप सभी जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट डिप्टी कलेक्टर विवेक सर के साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। RO के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।